एक बार की बात है, प्रेमनाथ नाम का एक आलसी आदमी रहता था। प्रेमनाथ बहुत गरीब था, फिर भी कोई काम नहीं करता था और सारा दिन बस घर पर सोया रहता था। उसकी पत्नी कुसुम उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। वो जब भी प्रेमनाथ को काम पर जाने के लिए कहती, प्रेमनाथ कोई ना कोई बहाने बना देता था। अरे कुंभकर्ण, अब उठ भी जाओ, कब तक सोते रहोगे? यहाँ घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है और तुम यूँ घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे का हुई गवा भाग्यवान, सुबह सुबह कान में काहे संग बजा रही हो? अरे दिखता नहीं क्या, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम्हें ये सुबह लग रही है। जल्दी उठो और जंगल जाओ, कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच आओ, चार पैसे आ जाएंगे तो घर में राशन आएगा। ऐसे सोते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। ओहो, ऐसी बात है का? अरे तो फिर तो जंगल जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जल्दी जाओ, मैंने ये दो रोटी और प्याज थैले में रख दी है, भूख लगे तो खा लेना। और हाँ, अगर खाली हाथ वापस आए ना तो याद रखना, बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? प्रेमनाथ खाना और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हाय हाय, बड़ी थकावट हो गई है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ काटूंगा। ये बोलकर प्रेमनाथ पेड़ के नीचे ही सो गया। आंख बंद करते ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, तब तक शाम हो गई थी। अरे ई का हुई गवा रे, शाम हो गई और हमको तो पता ही नहीं चला। आज तो हमने एक भी लकड़ी नहीं काटी, लगता है आज बाहर ही सोना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ पहले ये खाना खा लेता हूँ, उसके बाद ही घर जाऊंगा। प्रेमनाथ खाना खाने ही वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो एक आदमी एक गुफा के पास खड़ा कुछ बोल रहा था। कुकड़को, चुड़ैल बुढ़िया आ जा, तू रोटी दूंगा खाने को। तभी उसकी आवाज सुनकर एक चुड़ैल गुफा से बाहर आई। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, अरे रोटी और प्याज खाने आए रे। आ गया तू, ला दे जल्दी, दे जल्दी रोटी और प्याज दे मुझे, बड़ी भूख लगी है, जल्दी दे। अरे रुक जा चुड़ैल, पहले मुझे सोने दे, उसके बाद ही मैं तुझे रोटियां दूंगा। तभी उस चुड़ैल ने उस आदमी को एक पोटली में बहुत सारा सोना और पैसे दिए। बदले में उस आदमी ने चुड़ैल को दो रोटियां दे दी। रोटियां देखकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरे लिए सिर्फ ये दो रोटी सूखी लेकर आया है? इतने दिन से तू रोटियों के साथ प्याज लेकर आता था, लेकिन आज बस ये सूखी रोटियां, इसे मैं कैसे खाऊंगी? हाँ, अब तो बस एक ही रास्ता है, मैं इस रोटी को तेरे खून के साथ लगा कर खाऊंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसे लेकर वो अपनी गुफा में चली गई। प्रेमनाथ ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। बाप रे बाप, कितनी भयानक चुड़ैल है ये, एक प्यास के लिए उस आदमी का सर ही काट दिया। लेकिन उस चुड़ैल ने उस आदमी को सोने और पैसे भी तो दिए थे, लगता है वो चुड़ैल खाने के बदले सोना देती है, तो क्यों ना हम भी उसे अपना खाना देकर कुछ सोने के सिक्के ले ले। ये सोचकर प्रेमनाथ भी उस गुफा के पास गया। लगता है उस चुड़ैल को बुलाने के लिए हमको भी वही शब्द बोलना पड़ेगा। अरे का शब्द बोला था उस ससुरे ने? हाँ हाँ, अरे कुकड़ू कू, अरे चुड़ैल बुढ़िया आ जा, तू रोटी और प्याज दूंगा खाने को।
ये सुनकर चुड़ैल गुफा से बाहर आ गई। कौन है रे तू, क्यों आया है यहाँ? अरे चुड़ैल जी, हम तुम्हारे लिए रोटी और प्याज लाए हैं। क्या कहा, रोटी और प्याज लाया है? कहाँ है, ला दे मुझे, जल्दी दे, बड़ी भूख लगी है, जल्दी प्याज दे मुझे। हाँ हाँ देते हैं, लेकिन देखिए उसके बदले हमको सोना और पैसा चाहिए। ये ले। चुड़ैल ने जादू से प्रेमनाथ को एक पोटली में सोने और पैसे दिए। बदले में प्रेमनाथ ने उसे रोटी और प्याज दे दिए। उसे लेकर वो चुड़ैल अपनी गुफा में चली गई। अरे वाह, इतना सारा सोना मिल गया रे, अब तो साल भर हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मजे ही मजे मारेंगे। प्रेमनाथ खुशी खुशी घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अजी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस चुड़ैल ने तुमको कुछ नहीं किया। देखो अब तुम इस पैसों से छोटा सा ही सही पर एक व्यापार शुरू करो, जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। अरे धूत पगली, कैसन बात करो तो? अरे हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि अब हमको कोनो काम करने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो हम सारी जिंदगी बस घर पे आराम करेंगे, और जब पैसे खत्म हो जाएंगे अब तो वापस उस चुड़ैल को 5 रुपए का प्याज और रोटी देकर ढेर सारा सोना ले आएंगे। अरे तुम्हारी मती मारी गई है क्या, जो वापस उस चुड़ैल के पास जाने की बात कर रहे हो? देखो मेरी बात मानो और इन पैसों को किसी काम में लाओ, क्योंकि बिना परिश्रम किए इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। कुसुम प्रेमनाथ को बहुत समझाई, लेकिन उसने कुसुम की एक नहीं सुनी और मेहनत करना छोड़ घर पर आराम करने लगा। समय बीतता गया। आखिर एक साल बाद प्रेमनाथ का पूरा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन वो वापस उस चुड़ैल की गुफा में जाने के लिए निकला, लेकिन उस दिन गलती से प्रेमनाथ ने वो रोटी और प्याज ऐसे थैले में रख लिए जो नीचे से थोड़ी फटी हुई थी। चलते चलते प्रेमनाथ के थैले से प्याज नीचे गिर गई। प्रेमनाथ को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वो चुड़ैल की गुफा तक पहुंच गया। कुकड़ुकू कुकड़ुकू, अरे चुड़ैल बुढ़िया आ जा तू, रोटी दूंगा खाने को। कुकड़ुकू कुकड़ुकू, अरे चुड़ैल बुढ़िया आ जा तू, रोटी दूंगा खाने को। ये सुनकर चुड़ैल बाहर आ गई। आ गया तू, ला दे जल्दी रोटी और प्याज दे मुझे, बड़ी भूख लगी है, जल्दी दे। अरे हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको सोना और पैसा तो दे दो। अरे देखो इस बार हमको ज्यादा सोना चाहिए। हाँ काहे कि हम इस बार तुम्हारे लिए एक की जगह 2 प्याज और 2 की जगह 4 रोटियां लेके आए हैं। हाँ हाँ ये ले, इसमें बहुत सारा सोना है, सब रख ले तू। प्रेमनाथ इतना सारा सोना पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने प्याज निकालने के लिए अपनी थैली टटोली तो उसे थैली में एक छेद नजर आया। प्रेमनाथ बहुत घबरा गया। अरे मर गए रे, लगता है प्याज रास्ते में कहीं गिर गया, अब क्या करें, ये चुड़ैल तो हमारा खून पी जाएगी। अरे देख क्या रहा है, जल्दी प्याज दे, बड़ी भूख लगी है मुझे, आज तो 2-2 प्याज खाऊंगी। अरे चुड़ैल जी देखिए, वो कहा है ना कि प्याज तो हम लाए हैं, लेकिन वो कहीं गिर गया है। ऐसा कीजिए, आज आप ये रोटियों से ही काम चला लीजिए, कल हम आपके लिए 1 बोरी भर के प्याज लेके आएंगे। हाँ क्या कहा तूने, तू प्याज लेकर नहीं आया है, अब कोई रास्ता नहीं है, मैं ये रोटियां तेरे खून के साथ खाऊंगी। प्रेमनाथ बहुत डर गया और चुड़ैल से अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे माफ नहीं किया। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी कुसुम वहां आ गई। रुक जा चुड़ैल, ये ले प्याज और छोड़ दे मेरे पति को। प्याज पाकर चुड़ैल शांत हो गई और गुफा के अंदर चली गई। अरे कुसुम अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई, वरना वो चुड़ैल तो हमको मार ही डालती। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई, अच्छा हुआ कि मुझे रास्ते में ये प्याज पड़े हुए मिल गए। कुसुम हमको माफ कर दो,
अब हमको समझ में आ गया है कि परिश्रम करके ही इंसान सुखी रह सकता है। अब हम इन पैसों से नया व्यापार शुरू करेंगे और दिन रात परिश्रम करेंगे। ये सीख लेकर प्रेमनाथ खुशी खुशी अपने घर चला गया।